नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय। उम्मीद है आप सब कुशल होंगे। और अगेन ये वीडियो दूसरा मैं लेकर आया हूँ गांधी फेलोशिप के अराउंड। गांधी फेलोशिप की जर्नी के दौरान जो वीडियो है उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, आप सब लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम गांधी फेलोशिप के बारे में कुछ, क्योंकि मैं गांधी फेलो रहा हूँ, तो गांधी फेलोशिप के बारे में आप कैसे अप्लाई करें, फेलोशिप का प्रोसेस क्या होता है, कुछ जो आपके सवाल थे, जीडी और इंटरव्यूज आजकल चल रहे हैं उनकी तैयारी कैसे करें, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी फेलोशिप केवल्य एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से दी जाने वाली एक 2 साल की फेलोशिप है, जिस फेलोशिप में आप गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ काम करते हैं, यानी एजुकेशन सिस्टम पर काम करते हैं। 14 स्टेट्स में है, 500+ फेलोज हैं। फेलोज अभी टोटल फेलोज तो 1800 के अराउंड हो गए हैं अभी तक। ये आई थिंक 12 बैच अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये गांधी फेलोशिप के बारे में ऑल ओवर एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा। ये गांधी फेलोशिप का ब्रोशर है और ये मैं हूँ, बैच 9 मेरा था। तो मैं आपसे उम्मीद क्या, मैं आपसे एक्सपेक्टेशन पहली रहेगी कि इस ब्रोशर को पूरा पढ़ लीजिए, गांधी फेलोशिप की वेबसाइट पर है। इस ब्रोशर में फेलोशिप के बारे में सारा सब कुछ है। इस फेलोशिप का प्रोसेस क्या है, क्या सवाल पूछे जाते हैं, आफ्टर फेलोशिप क्या होता है, फेलोशिप का जो प्रोसेस है उस पर हम बात करते हैं एक बार। तो फेलोशिप के प्रोसेस में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, यानी आप वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक ईमेल में आईडी और पासवर्ड मिलता है, जिससे कि आप एप्लीकेशन को फिल करते हैं। और एप्लीकेशन जब आप फिल कर देते हैं तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू होता है, और उसमें से जो अच्छे एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसेस में जाते हैं। तो इसलिए एप्लीकेशन भरना बहुत क्रूशियल है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप जब एप्लीकेशन भरें तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपनी चीज़ों को डालें, जो सवाल पूछे जाते हैं कि आप फेलोशिप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ का इम्पैक्ट बताइए, उसमें अच्छे से लिखें। अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे जीडी और इंटरव्यू में कैसे आप दें। फिर ग्रुप डिस्कशन और पैनल इंटरेक्शन होता है। फिर रिव्यू प्रोसेस होता है कि जीडी और इंट्रैक्शन के बाद कितने लोग फाइनल लिस्ट में जाते हैं। फिर इंडक्शन प्रोसेस होता है फेलोशिप का, ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। कुछ भी आपको कहीं और से खोजने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्रोशर बहुत शानदार है, सब कुछ है इसमें, सारे सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे। ये आउटरीच है, करीब 2008 में ये फेलोशिप शुरू हुई थी 10 फेलोज के साथ, और 2021 चल रहा है। 20 में अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से फेलोज को ज्वाइन नहीं कराया था, बट इस साल फाइनल उम्मीद है पूरी कि ज्वाइन करवाएंगे। तो लेट्स सी अंडरस्टैंड कि हम क्या क्या समझते हैं इसमें। 3 प्रोसेस जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये मैं गांधी फेलो रहा हूँ जब का है। पहला तो एप्लीकेशन, अप्लाई कैसे करें आप गांधी फेलोशिप की वेबसाइट से, कैसे आपको क्वेश्चन को लिखना है, जो भी आपने अभी तक फील किया है उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका आ जाएगा कि आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया, पोएट्री, स्पोर्ट्स, डिबेट, क्विज, डिस्कशंस, यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो बहुत अच्छे से दीजिए कि आपका रीज़न क्या है फेलोशिप को ज्वाइन करने का। रीज़न लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप करेंट लाइफ सिनेरियो को या पुराने सिनेरियोज को आप फ्यूचर से कनेक्ट करें। आपको क्वेश्चंस को इस तरीके से लिखना है कि पढ़ने वाले को ये जस्टिफाइड लगे कि आप सीरियसली इस फेलोशिप में इंटरेस्टेड है, आप सीरियसली सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने में इंटरेस्टेड है, आपके भीतर एंथुसियाज्म है। नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करेंगे, उसका पर्पज क्या है, टॉपिक्स क्या हैं जीडी के जो आजकल चल रहे हैं, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका पर्पज क्या होता है, और एक्सपीरियंस मेरा अपना इंटरव्यू का क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फन प्रोसेस, सो इन्जॉय इट। किसी भी कंपनी की नौकरी या फिर किसी दूसरे एजुकेशन एग्जामिनेशन की तरह फेलोशिप का प्रोसेस नहीं है, जीडी और इंटरव्यू की बात जब आती है। तो डोंट वरी एट ऑल, इट्स अ फन प्रोसेस। अभी कुछ लोगों के ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहे हैं, कुछ लोगों के फिजिकल। तो जो फिजिकल इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें आपके साथ शुरुआत में एक्टिविटीज कराएंगे ताकि आपको अनकम्फर्ट फील ना हो, और आपको अब उसको इंजॉय करेंगे तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। जब फेलोशिप में आप आ रहे हैं तो उस माइंडसेट से आएं कि आप ओपन हैं, आपके भीतर गलतियां करने का भरपूर उत्साह है, आप ग्राउंड में अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और आप परफेक्ट नहीं हैं।
परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन ये स्वीकार कर लेना और भी ज्यादा जरूरी है। तो ग्रुप डिस्कशन की हम बात करते हैं, तो जीडी में आपको शुरुआत में 4 से 6 लोगों के साथ एक जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। इसका पर्पज ये है कि आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी चेक करना कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, एज वेल एज आप ग्रुप को साथ लेकर कैसे चल पाते हो। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपनी पॉइंट्स रखें, अपनी बात रखें, लेकिन क्योंकि ग्रुप डिस्कशन है, डिबेट नहीं है, अपने ग्रुप के दूसरे लोगों को सुने और उनकी बातों को भी अपने में शामिल करें। टॉपिक्स कैसे हो सकते हैं, टॉपिक्स जनरल हैं, टॉपिक्स में आपकी आपका ज्ञान नहीं देखा जाता उस फील्ड में कितना है, बट आप सोच कैसे रहे हो अप्रोच देखी जाती है। तो टॉपिक्स कैन बी एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या है, प्राइवेट एजुकेशन ठीक है कि पब्लिक एजुकेशन ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स की प्रॉब्लम्स क्या है, कोरोना के समय में एजुकेशन और बेहतर कैसे हो सकती है, आप डिजिटल सोशल मीडिया समाज के लिए सही है कि नहीं, जो जनरल टॉपिक्स होते हैं। आपको पहले टॉपिक मिलेंगे, थोड़ा समय मिलेगा, आप अपने पॉइंट्स लिख लीजिए और कोशिश करिए कि आप उसकी शुरुआत करें। आप जीडी में बोलिए लेकिन किसी को ओवरलैप मत करिए, किसी को इंटरप्ट मत करिए, किसी को रोक कर मत बोलिए। आपकी दो चीजें देखते हैं कि आप अपनी बात कैसे रख पा रहे हैं और दूसरों की बात सुन कैसे रहे हैं। अगर बस इतनी चीज आपने कर लिया तो बेहतर है। ओपनिंग रिमार्क्स यानी आप अपने से शुरू कर सकते हैं, क्लोजिंग रिमार्क, कंक्लूड अगर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और कंक्लूड करने में आपको सबकी बातों को शामिल करना होगा। तो बहुत ओपन माइंडसेट से दूसरों को सुने भी, गौर से सुने, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, आप जीडी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात आती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू का पर्पज क्या है, इंटरव्यू का पर्पज है कि आपकी पूरी पर्सनालिटी को समझना। एकेडमिक्स जर्नी को समझना चाहते हैं कि आप लाइफ के किन दौर से गुजरे हैं, उसमें आपका अप्रोच क्या रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वो आपके जर्नी में से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आपको अपनी जर्नी को उनके सामने रखना है। तो उनके सामने जाने से पहले आप कई बार कई पेजों में कई पन्नों में अपनी जर्नी को लिखिए कि आपकी स्कूलिंग कैसी हुई, उसकी कुछ घटनाएं अगर आपको याद हो जिन्होंने आपकी जिंदगी को इम्पैक्ट किया हो, जैसे किसी टीचर की एक कहानी सुनकर मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, मेरे साथ जो वायलेंस होता था स्कूल में उसकी वजह से मैंने वायलेंस के खिलाफ सोचा कि कभी एक ऐसी दुनिया मैं कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला तो मैं करूँगा कि जिसमें वायलेंस ना हो। तो अपनी लाइफ की पूरी जर्नी को, अपने लाइफ के पर्सनल लाइफ के ऐसे इंसिडेंट जिन्हें आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ साझा करें। क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं फेलोशिप, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस सवाल का जवाब सबका अपना अपना अलग होगा, लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि वो सवाल कनेक्ट करना चाहिए आपके पिछले बैकग्राउंड से, आप जो भी करके आ रहे हैं, उसके बाद फेलोशिप में क्यों, तो आपका मोटिवेशन जो है वो क्यों है, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि आपको एक आप पैसे के लिए आ रहे हैं, या फिर आप एक फेलोशिप का एक ब्रांड है इसलिए आ रहे हैं, जेन्युइनिटी कितनी है, और रियल टाइम सिचुएशंस आपको दे देंगे। जैसे आप स्कूल में गए हो और हेडमास्टर नहीं मान रहे हैं, या टीचर्स लेट आ रहे हैं, या टीचर्स बच्चों को मार रहे हैं, आप कैसे मनाओगे। एक पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं क्योंकि वो उनसे दिन में काम करवाते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है, तो आप उन्हें कैसे कन्विंस करके स्कूल में लाओगे। तो ये रियल टाइम सिचुएशन के क्वेश्चन होते हैं। रिमेंबर 2-3 थिंग्स, फर्स्ट गांधी फेलोशिप के प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये सवालों के आंसर देने में आपको मदद करेंगे। सेकेंड, बी वेरी जेन्युइन, क्योंकि आप एक सवाल में उनको गलत जवाब देंगे वो दूसरा सवाल घुमा के पूछ लेंगे, आपकी असलियत वहां आ जाएगी। थर्ड, इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन जस्ट टेल, उनको बता दो जेन्युइनली कि मुझे जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है, मैं कन्फ्यूज हूँ, मैं ये करूँ या वो करूँ, और मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि मैं 2 साल में किस में रियल में इंटरेस्टेड हूँ और मैं इसके लिए मोटिवेटेड हूँ। आपका एक्साइटमेंट वो देखते हैं फाइनली। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मेरे सजेशंस रहेंगे, पहला तो बहुत आराम से काम एंड रिलैक्स, फेलोशिप के बारे में जितना हो सकता है पढ़ लीजिए, कहीं और से नहीं, यूट्यूब पे मत खोजिए, गूगल पे मत खोजिए, वेबसाइट पे जाइए, बहुत शानदार और इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सेकंड की आपके जो भी रीजन है फेलोशिप ज्वाइन का वो बहुत क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर, जितना क्लियर हो सकता है आप कर सकते हैं कि मेरा ये पर्पज है फेलोशिप को ज्वाइन करने का, मैं फेलोशिप से ये चाहता हूँ और मैं फेलोशिप को ये दे सकता हूँ। जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा सिंपल था
कि मैं थिएटर के जरिए बच्चों की एजुकेशन में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और मैं फेलोशिप से ये चाहता हूँ कि मेरे जो आइडियाज़ हैं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे ग्राउंड दें, तो मैं एक्सप्लोर करना चाहता था। एक्सप्रेस योर सेल्फ वल्नरेबली का मतलब है कि आपको बहुत एकदम खुलकर बोलिए, जज्बाती होकर ना होकर बोलते हैं तो जज्बाती होकर बोलिए, इमोशंस अगर आपके भीतर हैं तो निकालिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अगर आपको किन्हीं समाज की कुछ समस्याओं को देखकर गुस्सा आता है तो गुस्सा निकालिए, ठीक है। एंड देन आप जेन्युइनली आप अपने आप को एक्सप्रेस करके उनके साथ क्वेरीज डिस्कस करिए फेलोशिप के बारे में कि सर मैं इस कारण से आ रहा हूँ, क्या ये मुझे मिलेगा, ठीक है। आइडियल पर्सन बनने की कोशिश मत करिए कि आई एम द राइट फिट, आई एम लाइक वेरी स्मार्ट गाय, बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, मैं सर बहुत सीधा साधा और बढ़िया। आप अगर अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे जो आप हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका एंथुसियाज्म बहुत जरूरी है, आपकी एनर्जी दिखनी चाहिए कि आपको फेलोशिप चाहिए फ्रॉम द एंट्री इनटू द इंटरेक्शन। अब जैसे वो प्रेरणा गीत वगैरह कराते हैं इनिशियली, तो पार्टिसिपेट इन दैट, एक्सप्रेस योर सेल्फ, GD में अपने आप को एक्सप्रेस करो, क्वेश्चंस पूछो, इंटरव्यू में आपका एंथुसियाज्म दिखना चाहिए कि नहीं नहीं आई वॉन्ट टू डू दैट, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सिचुएशन। एंड यस, सो द वर्ल्ड इज ए स्टेज, परफॉर्म बिफोर यू बिफोर कर्टेंस क्लोज्ड, पर्दा खत्म होने से पहले, पर्दा गिरने से पहले परफॉर्म करिए, यानी आपके भीतर जो कुछ है इस दुनिया को देने के लिए, इस दुनिया के साथ साझा करने के लिए, उसको आप इस दुनिया की स्टेज पर दे दीजिए। कम टू जस्ट एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मीन्स कि अपनी ज़िंदगी में जो आप सोच रहे हैं उनको अप्लाई करने के लिए, दुनिया में गलतियाँ करने के लिए, गलतियों से सीखने के लिए, और रियल ग्राउंड पर काम करने के लिए। फेलोशिप में सबसे पहले अपने ऊपर काम करने के लिए आइए, समाज के ऊपर तो आप दूसरे नंबर पर काम करेंगे। सो विद दैट, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं सॉल्व की हैं, मैं इस डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक दूंगा, तो आप उस पर जुड़कर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आपके उन सवालों का जवाब दूं, क्योंकि आई पर्सनली फील कि गांधी फेलोशिप ने मुझे एनरिच किया है और मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत शानदार रहे। तो मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो फेलोशिप के वैल्यूज से अलाइन करते हैं, वो इस फेलोशिप में ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच। आप अगर आपको कुछ और सहयोग चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, नमस्कार।